अब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबर है, हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से 4 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है। श्रीगंगानगर, ढोलपुर, सिरोही व चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है। इन 4 मेडिकल कॉलेजों में आगामी सत्र के लिए 100-100 सीटें स्वीकृत की गई है। इन कॉलेजों के बाद 19 जिले होंगे ऐसे जहां मेडिकल कॉलेज संचालित। इसके अलावा शेष जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए युद्ध स्तर पर जारी काम। हालांकि अभी जालौर, प्रतापगढ़ व राजसमंद जिले के प्रस्ताव केंद्र में विचाराधीन है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, प्रमुख चिकित्सा सचिव, शिक्षा सचिव वैभव गालरिया तीनों कॉलेजों की मंजूरी के लिए प्रयासरत हैं। इन तीनों कॉलेजों को मंजूरी मिलते ही हर जिले में होगा हमारा मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबर है, हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज का सपना अब पूरा होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से 4 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है। श्रीगंगानगर, धौलपुर, सिरोही व चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है। इन 4 मेडिकल कॉलेजों में आगामी सत्र के लिए 100-100 सीटें स्वीकृत की गई हैं। इन कॉलेजों के बाद 19 जिले होंगे ऐसे जहां मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा शेष जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। हालांकि अभी जालौर, प्रतापगढ़ व राजसमंद जिले के प्रस्ताव केंद्र में विचाराधीन है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया तीनों कॉलेजों की मंजूरी के लिए प्रयासरत है। इन तीनों कॉलेजों को मंजूरी मिलते ही हर जिले में होगा हमारा मेडिकल कॉलेज। बस ये 3 जिले, और अगर इनमें भी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल जाती है तो ऐसे में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। और एक अच्छी सौगात के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि एक युद्ध स्तर पर इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रयास हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर हम रूस और यूक्रेन युद्ध के वक्त की बात करें तो उस दौरान भी हमने देखा कि काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेशों में जाते हैं। उस दौरान भी कमी महसूस की गई कि यहाँ पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है, जो हर परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता, हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सरकारी कॉलेजों की स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि बच्चों को बाहर पढ़ने जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे में अब ये खुशखबर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबर है। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए, अगर हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा तो ऐसे में उन बच्चों को दूर दराज के क्षेत्रों में भी नहीं जाना पड़ेगा, जिन बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है, तो ऐसे में वो भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकती है। तो हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा होगा। और ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज का सपना नहीं है, लाखों बच्चों से जुड़ा ये सपना है, लाखों परिवारों से जुड़ा ये सपना है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों के 4 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से 4 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है। ये 4 मेडिकल कॉलेज जिन जिलों में होंगे वो जानकारी आपको देते हैं। श्रीगंगानगर, धौलपुर, सिरोही व चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है। इन 4 मेडिकल कॉलेजों में आगामी सत्र के लिए 100-100 सीटें स्वीकृत की गई है। इन कॉलेजों के बाद 19 जिले होंगे ऐसे जहां मेडिकल कॉलेज संचालित। इसके अलावा शेष जिलों में मेडिकल कॉलेजों के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। हालांकि अभी जालौर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले के प्रस्ताव केंद्र में विचाराधीन है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया तीनों कॉलेजों की मंजूरी के लिए प्रयासरत। इन तीनों कॉलेजों को मंजूरी मिलते ही हर जिले में होगा मेडिकल कॉलेज। तो लगातार प्रयास किया जा रहा है, लगातार कोशिशें भी की जा रही है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, और इसी को लेकर के कोशिश की जा रही है, कवायद भी लगातार जारी है। और ये खुशखबर जो इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबर है, हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से 4 मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है। श्रीगंगानगर, धौलपुर, सिरोही व चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। इन 4 मेडिकल कॉलेजों में आगामी सत्र के लिए 100-100 सीटें स्वीकृत हैं। इन कॉलेजों के बाद 19 जिले होंगे ऐसे जहां मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। इसके अलावा शेष जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। हालांकि अभी जालौर, प्रतापगढ़ व राजसमंद जिले के प्रस्ताव केंद्र में विचाराधीन है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया तीनों कॉलेजों की मंजूरी के लिए प्रयासरत है। इन तीनों कॉलेजों को मंजूरी मिलते ही हर जिले में होगा हमारा मेडिकल कॉलेज।
अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए एक खुश खबर है ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उस दौरान भी एक सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई नहीं मिल पाती, और अगर प्राइवेट में वो जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा भारी भरकम फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात और आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा सौगातें ऐसी। देखिए बिल्कुल, ऐसी तरह से राजस्थान के अंदर मेडिकल क्षेत्र में हर प्रमुख में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास यही है कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोला जाए। इसी क्रम में श्रीगंगानगर, धौलपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ चार डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज के लिए जो एनएमसी है वो एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसने जारी कर दी है, और अब अगले सत्र से यहाँ पर 200 सीटों पर मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। इसके साथ ही कुल बात करें राजस्थान की, तो अब इस अनुमति के बाद में राजस्थान में 19 जिले ऐसे होंगे जहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज खुले होंगे। इसके साथ ही 11 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो उनकी पाइपलाइन में है अलग अलग जगह से, जिनमें 7 मेडिकल कॉलेज अगले साल तक खुलने की उनकी पूरी उम्मीद है। ये जो प्रयास है वो राजस्थान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो वो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात रहेगी। बिल्कुल, और विकास देखिए, जिन बेटियों की अगर हम बात करें जिनको अपने घर से दूर क्षेत्रों में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता, अगर उनके जिलों में भी अगर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो वहां पर उनका सपना भी पूरा हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए इसमें जो विदेशों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी दिक्कतें हुई थी उसको देखते हुए भी ये बहुत बड़ी सौगात मानी जा सकती है कि स्टूडेंट्स करीबन हर साल 400 सीटें जो है वो MBBS की बढ़ेगी, और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के ऑप्शन बढ़ेंगे, साथ में चिकित्सा सेवाओं में भी इजाफा होगा। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो ये बड़ी सौगात आप कह सकते हैं, एक और तो जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज उन्हीं के जिले में मिल जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर चिकित्सा सेवाओं का भी विस्तार होगा, क्योंकि जरूरत हम सभी ने उस दौरान भी महसूस की थी जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहां पर काफी संख्या में छात्र वहीं पर फंस गए थे जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। पर अब जब ये सिचुएशन देखी गई और उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया, तो तमाम चेहरों पर खुशी का माहौल भी है, तमाम स्टूडेंट्स में भी खुशी का माहौल है। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबर है, हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से 4 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है, श्रीगंगानगर, धौलपुर, सिरोही व चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है।